गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है जिसमें आज हम एड पावर पॉइंट्स यानी आज हम एड पावर पॉइंट जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, इसमें पहले क्या है, एडिशन करेंगे। सिंपल एडिशन, ये कैसे, 4 + 6 + 9 यानी हम सबको इन सबको ऐड करना है। ओके, 4 में 6 को प्लस किया कितना हो गया 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, तो आपका आंसर क्या हो गया 19। पहले आपने 4 को प्लस, 4 में 6 को प्लस किया, फिर 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 9 यानी 19। ओके, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 8 प्लस 6 कितना हो गया, गिनिए 8 से आगे 6 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 में अगर हमने 9 को प्लस किया तो कितना हो गया 23। ओके, ये तो आपके सिंपल एडिशन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एड यानी जोड़ने में हमने क्या यूज किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म को। पहले जो नंबर है उनको हम तोड़ के अलग अलग करेंगे और फिर उनको हम प्लस करेंगे। जैसे इसमें 36 + 45 है, इसमें क्या करेंगे, पहले 1 and 10s। ओके, 1 and 10s एक्सपेंडेड फॉर्म में अलग अलग करना है, तो 36 को कैसे करेंगे, 30 की प्लेस हो गया 30 + 6 1 से प्लस का निशान लगाएंगे बीच में, 45 को 40 + 5 यानी हमें टेंस में कितने मिले 30 + 40। इसको एक अलग पहले सबको एक साइड लेंगे 30 + 40। ठीक है, 1 का 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 6 + 5 आपकी 30 और 40 को प्लस करें तो कितना आ गया हमारे पास 70 प्लस 6 और 5 को प्लस किया तो कितना हो गया 11। सो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 7 कितना होगा 81। ये हमारा आंसर हो गया। पहले हमने क्या करा, 36 और 45 को एक्सपेंड किया, तोड़कर लिखा 30 + 6 = 40 + 5, फिर हमने टेंस टेंस प्लेस वाले को एक साइड कर दिया, वन को अलग, 30 + 40 + 6 + 5 यानी 30 + 40 = 70 + 6 + 5 = 11। फिर इनको हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 81। ऐसे 73 + 28 इसमें भी 1, 10, 1 and 10 इसको करें 70 + 3 + 20 + 8 फिर 70 + 20 + 3 + 8। ओके, 70 20 को जोड़ा तो कितना हो गया 90 प्लस 8 और 3 को जोड़ा तो कितना हमारे पास 11। ओके, अब इनको जो 90 प्लस 11 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 101। ये हमारा आंसर हो गया। क्या करा हमने, इसको भी 10 और 1 प्लेस में इसलिए इनको 70 + 3 + 20 + 8 फिर 70 + 20 + 3 + 8 फिर 70 और 20 को जोड़ के क्या है 90 और 3 + 8 को जोड़ के है 11। फिर 90 में हमने 11 को प्लस कर दिया तो 101 हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एडिशन में ही वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे है पहला क्वेश्चन है, तनिषा है 70 पेंसिल्स, सिया है 25 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल। यानी तनिषा के पास कितनी पेंसिल है 70, 17 पेंसिल है और सिया के पास 25 पेंसिल है। ठीक है, कितनी पेंसिल उन दोनों के पास, कितनी पेंसिल हुई मिलाकर उन दोनों की कितनी पेंसिल हुई, तो इसमें क्या करेंगे हम, तनिषा के पास कितनी पेंसिल है 70 और सिया के पास कितनी है
प्लस कर देंगे तो टोटल पेंस दोनों के पास कितनी हो जाएगी, टोटल पेंसिल्स कितनी हो जाएगी, इनको हमने ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। सेवन और फाइव कितने होते हैं, ट्वेल्व, कितने होते हैं, ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, यहाँ पे वन इसका कैरी लेगा, ऊपर लिखेंगे वन प्लस वन कितना हो गया टू, और टू प्लस टू फोर, यानी टोटल पेंसिल कितनी होगी उनके पास 42, दोनों के पास मिलाकर टोटल पेंसिल कितने हुई 42, तनिषा के पास 17 है, अशिया के पास 25 है, इन दोनों की पेंसिल को अगर हम काउंट करेंगे मिला के तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 42 पेंसिल है, दोनों को मिलाकर कितनी पेंसिल है 42, ओके। अब आप जो वर्कशीट दी गई है उसी की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में नीटली करेंगे। थैंक यू।